हेलो व्यूअर्स, आज है हमारे साथ डॉक्टर प्रीति बावा, जो कि पिछले 25 सालों से आयुर्वेदाचार्य हैं और उनका इस फील्ड में बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है। आज ये हमारे साथ एक बहुत ही कॉमन और गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि है PCOD या PCOS। सो थैंक यू डॉक्टर प्रीति फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू साक्षी। तो डॉक्टर साहब, मैं आज से सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि PCOD एक गंभीर समस्या है या नहीं, क्योंकि इसका एक रीज़न है। हमारे पास बहुत PCOD की इंक्वायरीज जनरेट होती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि इस बीमारी को सीरियसली नहीं लेता और इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाता। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा रिलेटेड टू द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम? हाँ, हेलो व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि PCOD आप एक वाकई में गंभीर समस्या बनती जा रही है आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए, और इस चीज़ को लाइटली ना लें। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या आगे जाके एक बहुत बड़ा वास्ट रूप ले लेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि हर फीमेल आगे चल के मैरिज लाइफ सभी को स्पैन करनी है, तो एक मैरिज वाली लाइफ में जब आप एक अपनी फैमिली को प्लान करते हो तो आपको दिक्कत आती है जब आपकी इनफर्टिलिटी हो जाती है या जिसकी वजह से आप बच्चे नहीं पैदा कर पाते हो, तब आप एक एक डॉक्टर को चेंज करते जाते हो। और लाइटली आप इस चीज़ को बिल्कुल मत लें। अभी से, शुरुआत से ही, जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम अपना ऐसा दिखे जो PCOD से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके क्या लक्षण हैं जो आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मैं क्या PCOD की इससे ग्रसित होती जा रही हूँ, तो आप उस चीज़ को शुरू से ही, खासकर उन टीनेजर्स गर्ल्स जिसमें शुरुआत में ही पीरियड इररेगुलर हो रहा है, तो वो अपनी मदर से कुछ भी चीज़ ना छुपाएं। शुरू से उनको एक फ्रेंड होने के साथ साथ हर चीज़ की प्रॉब्लम को शेयर करें कि उनका पीरियड इररेगुलर हो रहा है या पीरियड कम आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप अपनी मदर को नहीं बताओगे तो वो आगे आपको किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करवा पाएंगे, और ये प्रॉब्लम धीरे 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 इतनी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेगी, गंभीर समस्या ले लेगी कि आगे चल के आपको खुद ही इस जाना चाहिए कि जाल में आप फंस जाओगे, और आगे चल के आपकी जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ड्यू टू इनफर्टिलिटी, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, फेस होता है कि जो आपको टैकल करना पड़ता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, कई लेडीज़ मैंने देखा है इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि अब तो ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि दे डोंट मतलब गेट एनी चाइल्ड, की जब बच्चा नहीं होता तो आपको पता ही है ये इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे अगर कोई लेडी नहीं कर पाती है बच्चा तो उसको किस नज़र से और किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये आपने बताया कि फिजिकल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं PCOD को इग्नोर करने की, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाते हैं जिससे कि टीनेज गर्ल्स को बाहर सोसाइटी में जाने से वो डरती हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, PCOD की वजह से जो आपके शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण पैदा होते हैं, सबसे पहला लक्षण यही होता है कि एक फीमेल का पीरियड इररेगुलर होता है, अनियमित माहवारी। जब पीरियड इररेगुलर होता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत वरी रहते हैं कि किस टाइम हो जाएगा। अगर मान लो आप जॉब में हैं, आप कहीं भी जा रहे हो और आपका पीरियड का टाइम नहीं प्रॉपर है, तो आप एक, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेस में रहते हो कि पता नहीं कब हो जाए, तो आपका पीरियड डिले होगा, इररेगुलर होगा, और धीरे धीरे स्कैंटी होते होते कई बार इतना डिले हो जाएगा कि कुछ, पहले तो कुछ दिनों का, फिर कुछ धीरे धीरे कुछ मंथ्स का, और इतना डिले हो गया कि आपका 3-3, 6-6 महीने ही पीरियड नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा आपकी प्रॉब्लम को। और सेकेंड थिंग है कि फेशियल हेयर जब किसी गर्ल्स के PCOD की वजह से पीरियड इररेगुलर होते हैं, बेसिकली उसके हार्मोन इंबैलेंस हो रहे हैं, तो हार्मोन इंबैलेंस का मतलब है आपके मेल हार्मोन्स बॉडी में बढ़ रहे हैं। मेल हार्मोन्स का बढ़ना मीन्स आपके फेस पे हेयर्स आने लगना, तो हेयर आने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो एक फिजिकल अपीयरेंस है वो इतना अजीब लगने लगता है कि आप
खुद में ही अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो कि मैं सामने वाले के सामने, या आप ऑफिस गोइंग हो या समथिंग, किसी भी आप फील्ड में हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस उतना अच्छे से नहीं दिखा पाओगे जब एक आपका फिजिकल अपीयरेंस ही खराब होने लगता है। थर्ड चीज, वेट गेन होना। वेट गेन होने से आप का भी शरीर बेडौल दिखेगा, और जब हम, और ख़ासकर गर्ल्स में तो बहुत इस चीज़ का बहुत वो होता है कि आजकल मोटे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स जो है मोटापे का कारण ढूंढती कि क्या है, वो फिर जिम ज्वाइन करती हैं या समथिंग कुछ भी इस तरह का ज्वाइन करती हैं। तो बेसिकली इसके 3 या 4 लक्षण हैं, पीरियड इरेगुलर, उसके बाद फेशियल हेयर, थर्ड वेट गेन, चौथा आपके हेयर फॉलिकल्स का गिरना, मतलब कि आपके बालों का गिरना, बाल आपके डैंड्रफ हो या बाल गिरने लगेंगे तो आपके हेयर फॉल बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करता है। ओवरऑल एक गर्ल्स अगर पीसीओडी से ग्रसित है तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने लगती है बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स। जी एब्सोल्युटली, तो इन सिम्टम्स की वजह से और इसकी फिजिकल इम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी मेडिकल, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, और इवेंचुअली सोशल हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो इसी वजह से इट इज़ सेड दैट पीसीओडी को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और इसका टाइमली ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो आपने लक्षण बताए हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, फेशियल हेयर, वेट गेन एंड हेयर फॉल, इसके अलावा भी ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो गर्ल्स को ऑन द लुकआउट रहना चाहिए? क्योंकि ऐसी भी गर्ल्स हमारे पास आती हैं जिनको पता ही नहीं चलता अंटिल लेटर स्टेजेस कि उन्हें पीसीओडी है, बिकॉज लाइक यू सेड कि इसकी स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, और कई बार फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर ऑन शो होना शुरू होते हैं। तो ऐसे कौन से इनके अलावा सिम्टम्स हैं जो गर्ल्स को देखने चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने साक्षी। पीसीओडी को अगर हम देखें तो खाली पीसीओडी एक ही तरीके का नहीं है कि आपका उसमें वेट गेन हो या आपके हेयर, फेशियल हेयर आए या हेयर फॉलिकल गिरे। बेसिकली ये एक ओबीज पीसीओडी है, एक लीन पीसीओडी है। लीन पीसीओडी मतलब पतली दुबली गर्ल्स में भी पीसीओडी की समस्या होती है, और वो जज ही नहीं कर पाती है क्योंकि उनको तो यही पता होता है कि पीसीओडी मींस पीरियड इरेगुलर होना, वेट पुट ऑन होना, फेशियल हेयर आना, लेकिन इस तरह के सिम्टम उनमें नहीं होते। उनकी प्रॉब्लम दूसरी तरीके की होती है, जैसे कि उनकी महावारी बहुत ज़्यादा होना, बहुत टाइम तक होना, मीनोरेजिया जिसे कहते हैं, हैवी पीरियड्स होना, तो ये लीन पीसीओडी में आ जाता है। लीन पीसीओडी मतलब दुबली पतली गर्ल्स में भी। तो किसी भी तरह का मैं कहूँगी पीसीओडी, चाहे ओबीस पीसीओडी हो चाहे लीन पीसीओडी हो, आप दोनों तरह की समस्याओं को गंभीर रूप से लें। आप ये मत सोचें कि अगर मेरा वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है या मेरा फेशियल हेयर नहीं है तो मेरे को पीसीओडी नहीं है। ये आपका एक, आपका डॉक्टर ही आपको बता पाएगा चेक करके कि आप किस प्रॉब्लम में हो, लीन पीसीओडी में हो या ओबीस पीसीओडी में हो। तो किसी भी तरह की अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे वो इरेगुलर हो, चाहे वो पेनफुल हो, किसी भी तरह का मेनली पीरियड से रिलेटेड अगर आपको कोई लक्षण दिख रहा है जो असामान्य है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या हमसे कंसल्ट करें। हम आपके लिए यहीं पर हैं और आप, हमारी टीम और मैं आपकी हर तरह से तैयार हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और हमको सेवा का मौका दें, और हमारा जो इस क्षेत्र में योगदान हो पाएगा, हम आपकी पूरी तरह से सेवा करने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी गर्ल्स हैं या उनके मदर्स जिनको लग रहा है कि ये वाले सिम्टम्स शो हो रहे हैं, सो आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें दिए गए नंबर्स पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी।